सब्सक्राइब करें हिस्टोरिक हिंदी यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। आमतौर पर माना जाता है कि पढ़ने के लिए आंखों का होना बहुत जरूरी है, बिना आंखों के शिक्षा संभव नहीं है, किंतु ब्रेल लिपि की खोज ने इसको आसान कर दिया। चूंकि वर्तमान में इसका प्रयोग करके आंखों से दिव्यांग लोग भी पढ़ाई कर अच्छी खासी नौकरी पाने में सफल हो रहे हैं, इसलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस लिपि की खोज कैसे हुई। नेत्रहीनों के पास सब कुछ होता है, बावजूद इसके उनकी जिंदगी किसी काले अंधेरे की तरह होती है। ऐसे में पढ़ाई ही उनके लिए एक ऐसा तरीका होता है जिसके बल पर वो सारी दुनिया को जान पाते हैं। इसके लिए वे एक खास तरह की लिपि का प्रयोग करते हैं जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। यूं तो इस लिपि को आधार देने में सबसे पहला नाम वेलेंटीन होय का लिया जाता है। माना जाता है कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस लिपि को कागज पर उतारा, पर कुछ लोग इसे नहीं मानते। उनके अनुसार 1845 में इंग्लैंड के विलियम मून ने इसे खोजा था। उन्होंने इस लिपि को रोमन अक्षरों की रूपरेखा में बनाया जिसे मून टाइप के नाम से जाना गया। शुरुआत में इस लिपि का प्रयोग कठिन था, बावजूद इसके नेत्रहीनों की शिक्षा के लिए इसे एक बड़ा कदम माना गया। मून टाइप के रूप में नेत्रहीनों की शिक्षा के लिए एक लिपि की खोज तो हो चुकी थी, पर वो इतनी जटिल थी कि उसे सीखना आसान नहीं था। लुई ब्रेल नामक व्यक्ति ने इस बात को समझा और इसे सरल बनाने की कोशिश जारी कर दी। उनकी मेहनत रंग लाई और वो एक नई लिपि की खोज करने में सफल रहे। उन्होंने अपनी इस लिपि को नाम दिया ब्रेल लिपि। गजब की बात तो यह थी कि लुई ब्रेल खुद नेत्रहीन थे। असल में 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में जन्मे लुई महज 3 साल के थे जब एक दुर्घटना में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। इसके बाद उनके पिता ने उनको पेरिस के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में पढ़ने के लिए भेज दिया। ये उस समय का जाना माना नेशनल इंस्टीट्यूट था जहां नेत्रहीनों को शिक्षित किया जाता था। कहते हैं कि लुई इतने होनहार थे कि जल्दी ही उन्होंने शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों ही कौशल सीख लिए थे। इसके चलते वे चर्चित हुए और उन्हें फ्रांसीसी सैनिक चार्ल्स बैरियर से मुलाकात करने का मौका भी मिला। बैरियर वे इंसान थे जिन्होंने मून टाइप लिपि को अलग अलग ध्वनियों के आधार पर कोडमय किया था। इससे नेत्रहीनों को काफी मदद मिली। लुई ब्रेल ने इस लिपि को उपयोगी समझा और जल्द ही सीख भी लिया। इस दौरान उन्होंने इसकी खामियों को समझा और बाद में इनको दूर करने के इरादे से उन्होंने अपने प्रयोग शुरू कर दिए। लुई ब्रेल करीब 15 साल के रहे होंगे जब उन्होंने एक सरल प्रणाली को विकसित किया। ये प्रणाली केवल 6 बिंदुओं पर आधारित थी जिसकी 3 बिंदु एक लाइन बनाती थी और विभिन्न बिंदु से विराम चिन्हों को बनाया जाता था। इसके अलावा इसमें कुल 64 प्रतीकों का प्रयोग किया गया था। इसलिए 18वीं सदी में अलेक्जेंडर रेने पिग्नियर ने अपने संस्थान रॉयले में इसके प्रयोग की अनुमति दे दी। हालांकि 1840 में उनके रिटायरमेंट के बाद इसका प्रयोग वहां बंद कर दिया गया। पिग्नियर की जगह पर रॉयले के नए उत्तराधिकारी पियरे आमंडूफो ने लुई ब्रेल की इस तकनीक को हटाते हुए पॉइंट पर आधारित सिस्टम का उपयोग शुरू कर दिया। ये बात और है कि जल्द ही उन्हें लुई की लिपि की उपयोगिता समझ आ गई और उन्होंने इसे न सिर्फ अपने संस्थान में चालू करा दिया बल्कि इसे सबसे बेहतरीन लिपि की मान्यता भी दी। इसे लुई का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि 6 जनवरी 1852 को पियरे आर्मंडूफो चल बसे और एक बार फिर से उनकी लिपि को रॉयले से हटा दिया गया। खैर, इन सभी अवरोधों को पार करते हुए लुई की तकनीक को बाद में सबसे बेहतरीन माना गया। हालांकि इसमें समय के साथ साथ कुछ बदलाव जरूर होते रहे। आधुनिक समय में कई गैजेट्स को बनाया गया है जिसमें लुई ब्रेल की तकनीक का ही प्रयोग किया गया है। सेलफोन को ही ले लीजिए, आज नेत्रहीनों के लिए बी टच नाम का एक सेलफोन आता है जिसका लक्ष्य है कि नेत्रहीन भी अन्य लोगों की तरह दोस्तों से बात कर सकें। ये एक टच स्क्रीन फोन है। इसकी स्क्रीन में ब्रेल लिपि का प्रयोग किया गया है। इसी क्रम में नेत्रहीनों के लिए खास तरह की स्मार्ट वॉच भी बनाई गई है जिसको कोरियाई देश में बनाया गया है। इस स्मार्ट वॉच में भी ब्रेल लिपि का प्रयोग किया गया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि ब्रेल लिपि आज के युग में नेत्रहीनों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। उसने न सिर्फ उनकी पढ़ाई का रास्ता आसान किया बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने का साहस भी दिया। आखिर कौन सोच सकता था कि नेत्रहीन फोन पर बातें कर सकेंगे या फिर समय देखने के लिए घड़ी का उपयोग कर सकेंगे।
दोस्तों, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके।